हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट मोहम्मद इसफली के संग। जैसा कि सर्वविदित है कि बीआरसी खरखोदा मेरठ पर दो दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है। आज द्वितीय दिवस है जिसमें आज हम 100 दिन का कैंपेन शिक्षा पर कोविड-19 का प्रभाव, स्कूल खुलने के बाद की योजना, तो इसका एजेंडा देख लेते हैं। क्या है एजेंडा? अनुभव पर चर्चा की जाएगी, परिवर्तित कक्षा कक्ष की छवि, कक्षा रूपांतरण वीडियो, और उसके बाद ब्रेक किया जाएगा, 100 दिन का कैंपेन, भोजन सत्र किया जाएगा, और उसके बाद तीन कैंप हैं ये। दूसरा कैंप है 100 दिन का कैंपेन समृद्ध मॉड्यूल उपचारात्मक शिक्षण भाषा, और तीसरा है 100 दिन का कैंपेन समृद्ध मॉड्यूल उपचारात्मक शिक्षण गणित। उसके बाद प्रश्नोत्तरी का कल चलता है, तो चलते हैं। तो प्रशिक्षण का द्वितीय दिन है और इसमें सबसे पहले शिक्षकों द्वारा प्रथम दिन के प्रशिक्षण पर विचार किया गया, और इस पर प्रथम दिवस के प्रशिक्षण पर काफ़ी सकारात्मक चर्चा की गई। फिर चलता है हमारा 90 मिनट का पीरियड चलता है, परिवर्तित कक्षा कक्ष की छवि। इसमें आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 से 3 के लिए, और इस प्रकार से इस पर चर्चा की गई है। जैसे कक्षा 1 से 3 के लिए गणित की आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, इन पर अलग अलग चर्चा की गई और इनके विषय में बताया गया। फिर ELPS के विषय में बताया गया कि सबसे पहले पूर्व जो बच्चों को जानकारी होती है उसको हमें ठोस वस्तु पर लाना है, उसके बाद सहज रूप से लैंग्वेज पर लाना है, उससे बातचीत उसी की लैंग्वेज में करनी है, उसके पश्चात पिक्चर पर लाना है, चित्र दिखाकर उसको नीचे लाना है, और उसके बाद प्रतीकों पर बच्चों को लाना है। फिर आता है हमारा कक्षा रूपांतरण वीडियो। इसमें दो वीडियो का प्रदर्शन किया गया, दो वीडियो को दिखाया गया, उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक होता है, फिर 100 दिन का कैंपेन चलता है। ये 40 मिनट की अवधि है इसकी, और इसमें होता है स्कूल शिक्षा पर कोविड-19 का प्रभाव, के क्या प्रभाव पड़े, जो हमारा कोरोना काल चला था, कोविड-19 चला था, उसका क्या बच्चों पर प्रभाव पड़ा था, उसके बाद के विषय में बताया गया था। छात्र लगभग 1 साल से स्कूलों के अंदर नहीं हैं। इस समय के दौरान विभिन्न डिजिटल शिक्षण पहल ने सीमित संख्या में छात्रों को लाभान्वित किया है। उच्च ग्रेड के छात्र इस दौरान हुए पढ़ाई के नुकसान से निपटने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे, लेकिन छोटे ग्रेड के छात्रों को अधिक समर्थन की आवश्यकता होगी। कोविड-19 के दौरान छात्रों के बुनियादी शिक्षण कौशल को सबसे अधिक नुकसान हुआ होगा। वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि बुनियादी शिक्षण पर अगर कार्य नहीं किया तो बच्चों के लिए किस प्रकार की चुनौती खड़ी हो सकती है। तो ये वीडियो दिखाया गया था, वीडियो में यही चीज़ बताई गई थी, क्या क्या समस्याएं हुई थी, और इस कोविड-19 का जो प्रभाव पड़ा उनको हमें कैसे उभार लाना है, बच्चों में किस प्रकार से इसको उपचार किया जाएगा, उसमें ये बताया गया है कि सभी छात्र अभिभावक और शिक्षकों को मिशन प्रेरणा की ओर प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरणा उत्सव 100 दिन का कैंपेन चलाया जाएगा, जो कोविड-19 का प्रभाव पड़ा था उसको प्रेरणा उत्सव 100 दिन का कैंपेन चलाया जाएगा, जो ये इसके ऊपर प्रोग्रेस बच्चों के लिए प्रोग्रेस ला सकता है। इसमें क्या होगा, प्रेरणा उत्सव गतिविधियाँ, छात्रों को अभिभावकों को प्रेरणा लक्ष्यों से परिचित कराया जाएगा, इसमें ये भी हम ही कराएंगे। मिशन प्रेरणा बुनियादी शिक्षा समझाने के लिए प्रति सप्ताह शिक्षा चौपाल का आयोजन किया जाएगा। शिक्षा चौपाल क्या है इसके बारे में आगे बताएंगे। प्रेरणा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए छात्रों शिक्षकों का शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा। उत्कृष्ट शिक्षकों छात्रों पंचायत सदस्यों को सम्मानित करने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा।
और लास्ट है इसमें मिशन प्रेरणा, प्रेरणा लक्ष्य के संदेश को फैलाने के लिए सूचना शिक्षा और संचार ICEC अभियान चलाया जाएगा। शिक्षा चौपाल के माध्यम से, शिक्षा चौपाल क्या है, हमें किस प्रकार से कार्य करना है, इस पे संक्षिप्त रूप बताते हैं। शिक्षा चौपाल के माध्यम से जनपद के DM, CDO, MP, MLA, MLC आदि महीने में एक दिन मिशन प्रेरणा और बुनियादी शिक्षा पर बैठक रखेंगे। इसका हमें विशेष ध्यान रखना होगा। शिक्षा चौपाल कार्यसूची, इसकी कार्यसूची क्या है, छात्रों एवं अभिभावकों को प्रेरणा लक्ष्यों से परिचित कराना होगा। और दूसरा है ORF अर्थात ओरल रीडिंग फ्लुएंसी गतिविधियों को व्यवस्थित करेंगे हम। सुबह असेंबली में रीडिंग एलोंग एप्लीकेशन से पढ़ने के लिए छात्रों का चयन करेंगे। तो ये इसमें एक तो अभिभावकों से मिलना बताया जाएगा, उनको इसे प्रेरणा लक्ष्यों को बताया जाएगा कि हम प्रेरणा लक्ष्य या कोई चीज़ है, दक्षताएँ कोई चीज़ हैं, और ORF इसको चलाया जाएगा, और ORF हमें रीडिंग एलोंग चलाई जाएगी। इसके अंतर्गत प्रेरणा लक्ष्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। नियमित रूप से बच्चों को स्कूल भेजने के लिए माता पिता को प्रोत्साहित किया जाएगा। हमें बच्चों के माता पिताओं को भी प्रोत्साहित करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। आरंभिक शिक्षा के लिए एक सुदृढ़ नींव की आवश्यकता पर विचार करना है। और छठा है उत्कृष्ट शिक्षकों, छात्रों, पंचायत सदस्यों को सम्मानित करने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। स्कूल में प्रधान अध्यापक, शिक्षक और छात्र इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी, और बच्चों के माता पिता, SMC के सदस्य, बच्चा के पंचायत के सदस्य इनमें शामिल किए जाएंगे। इस शिक्षा चौपाल को आगे बढ़ाने के लिए, इसको प्रगति या गति देने के लिए। फिर इसमें शिक्षा चौपाल के माध्यम से जनपद के DM, CDO, MP, विद्यालय के खुलने के बाद उपचारात्मक शिक्षा चलाया जाएगा, उसको देखते हैं। स्कूल खुलने के बाद कक्षा के अंदर उपचारात्मक शिक्षण पर जोर देना होगा, क्योंकि बच्चे नील हैं, COVID-19 में से बच्चे भूल चुके हैं, उसके लिए हमें उपचारात्मक शिक्षण चलाया जाएगा। सबसे ज़्यादा जरूरी होगा कि बच्चों को भाषा और गणित की अवधारणाओं और दक्षताओं को सही तरीके से याद दिलाना, सिखाना और अभ्यास कराना। ये हमारी मेन चीज़ है कि हमें इस पर जोर देना है। उपचारात्मक शिक्षण चलेगा ही, और उस पर भाषा और गणित की जो अवधारणाएँ और दक्षताएँ हैं उनको हमें कार्यान्वित करना है। बच्चों को जो भूल चुके हैं उनको याद दिलाना है, लेकिन जो रूपरेखा सरकार ने दी है, योजना बनाकर दी है, हमको उसी के अकॉर्डिंग चलना है। भाषा और गणित पर ध्यान केंद्रित करने से हम बच्चों को बुनियादी शिक्षा पर कार्य कर पाएंगे। फिर है समृद्ध मॉड्यूल रेमेडियल टीचिंग प्लानिंग। इसमें क्या है, ये क्लास कक्षा 1, 2, 3 के लिए हम पहले बताते हैं। इसमें क्या है, जनवरी माह में आपके पास समृद्ध मॉड्यूल पहुंचा दिया गया है। ये उनकी तरफ से योजना है जो कि अभी तक नहीं पहुंची है, अब मिल चुकी हैं। समृद्ध मॉड्यूल में 6 टीचिंग प्लान दिए गए हैं और 3 प्लान भाषा के लिए दिए गए हैं और 3 प्लान गणित के लिए दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर 2 हो गए, 3, 6 हो गए, 3 प्लान भाषा के और 3 प्लान गणित के। तो इस तरह से 6 टीचिंग प्लान हो गए, और ये सभी कक्षा 1 से 5 तक के लिए हमें लागू करने हैं। अब आता है हमारा भोजन सत्र, चालू होता है, ये 60 मिनट का होता है। उसके बाद फिर थर्ड चलता है हमारा 100 दिन का कैंपेन चलता है, ये 60 मिनट की होगी इसकी अवधि। इसमें क्या बताया जाएगा, रेमेडियल शिक्षण के दौरान कक्षा विभाजन किया जाएगा। इसमें हमें कक्षाओं को हमें 3 पार्टों में बांटना होगा, 3 समूह में बांटना होगा। कक्षा 1 को अलग समूह में बांटा जाएगा, और कक्षा 2 और 3 को अलग समूह में बांटा जाएगा, और कक्षा 4 और 5 को अलग समूह में बांटा जाएगा। इस प्रकार से इसका 3 वर्गीकरण हम कर लेंगे। कक्षा 1 के लिए क्या है, मॉड्यूल में समृद्ध मॉड्यूल, समृद्ध कार्यक्रम, शिक्षक संदर्शिका। कक्षा 1 में क्या बताया गया, इसमें मॉड्यूल में कक्षा
मुख्य रूप से स्कूल शुरू होने पर बच्चों को सहज करेंगे। बच्चा आएगा, नया होगा कक्षा एक का बच्चा, तो वो हमसे परिचित है, परिचित होगा हमसे, हमें उसे अपने अंदर आत्मसात, उनको बच्चों को आत्मसात करना होगा, हम उनके साथ घुलेंगे मिलेंगे, और उसके बाद जब हम जात पहचान से हो जाएगी, हमें बच्चा दुआ सलाम करेगा, तो उसके बाद डिकोडिंग होगी। डिकोडिंग का मतलब है कि हमें अक्षरों का ज्ञान कराना होगा, ध्वनियों का ज्ञान कराना होगा, और वो भी मौखिक भाषा विकास पर हमें ध्यान देना होगा। कक्षा एक के लिए बात है कि हमें यहाँ लिखाई नहीं करानी होगी, और इसमें आकलन भी नहीं किया जाएगा। कक्षा एक के लिए बता रहा हूँ, कक्षा एक में आकलन भी नहीं किया जाएगा, और ये जो हमारा रेमेडियल चलेगा ये हमारा 8 सप्ताह की योजना होगी, और इसमें साप्ताहिक योजना, दैनिक कार्य योजना भी अच्छी तरह से बताई गई है। उसमें क्या है, हम चलना उसी के हमें अकॉर्डिंग चलना है। थर्ड पॉइंट है, जैसे हमारा ध्वनि चेतना पर काम करना है, वर्ण मात्रा पर काम करना है, कहानी कविता चित्र पर काम कैसे करें इसका भी विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें हमें ये देखना है, समृद्ध कार्यक्रम शिक्षक संदर्शिका कक्षा एक में, इसको हमें पढ़ना होगा। साप्ताहिक आकलन और पुनरावृत्ति पर काम कैसे करना है इस पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। और फिर है कक्षा 2 और 3 के लिए दिए गए मॉड्यूल पर चर्चा, तो इसमें हमें कक्षा एक में आकलन नहीं करना है बेसलाइन, और हमें इसमें कक्षा 2 और 3 में हमें आकलन करना है। तो इसमें क्या करना है, डिकोडिंग करनी है, मौखिक भाषा विकास काम करने हैं, साप्ताहिक आकलन और पुनरावृत्ति कैसे करें आदि पर विस्तार से हमें इस पर बात करनी है। इसमें हमें पूरी जानकारी दी गई है, समृद्ध कार्यक्रम शिक्षक संदर्शिका में ये पूरी चीज़ इसमें बताई गई है। और इस कक्षा 2 और 3 में विशेष बात यह है कि इसमें आधार रेखा आकलन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जो कि कक्षा 1 में नहीं अपनाई गई थी। थर्ड है इसमें शिक्षक संदर्शिका में 8 सप्ताह की योजना, साप्ताहिक योजना, दैनिक कार्य योजना विस्तार से दी गई है, इसमें बताई गई है। फिर इसमें हम आगे वर्णन किया गया है, वर्ण मात्रा की पहचान, शब्द स्तर और वाक्य स्तर पर काम, साथ में मौखिक भाषा विकास पर कैसे काम करना है ये बताया गया है, और साप्ताहिक आकलन और पुनरावृत्ति पर काम कैसे करना है इस पर भी हमें इस किताब में विस्तार से चर्चा की गई है। और कक्षा 4-5 के लिए है, के लिए मॉडल में चर्चा की गई है, ये कौन सी है, समृद्ध कार्यक्रम शिक्षक संदर्शिका कक्षा 4 और 5 के लिए ये दी गई है। तो इस पर भी हमें ये पढ़ना होगा, समझना होगा किस प्रकार से रूपरेखा होगी। इसमें मुख्य रूप से स्कूल शुरू होने पर बच्चों को सहज कैसे करें, सहज किस प्रकार से करना है ये भी बताया गया है। डिकोडिंग किस प्रकार से होगी, मौखिक भाषा विकास पर काम कैसे करें, साप्ताहिक आकलन और पुनरावृत्ति कैसे करें आदि पर विस्तार से जानकारी दी गई है कि हमें साप्ताहिक आकलन किस प्रकार से करना है, पुनरावृत्ति कैसे करनी है, ये सब जानकारी इसके अंतर्गत दी गई है। इस शिक्षक संदर्शिका में 8 सप्ताह की योजना है, और सेकंड है साप्ताहिक योजना, दैनिक कार्य योजना भी विस्तार से इस पुस्तक में बताया गया है, और साप्ताहिक आकलन और पुनरावृत्ति पर काम कैसे करना है इस पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। सप्ताह की योजना शुरू करने से पहले हमें सप्ताह को प्रारंभ करना होगा, तो हमारा जो मार्च का प्रथम सप्ताह होगा वो हमारा शून्य माना जाएगा, और शून्य में ही हमें ये सारे काम करने हैं, बच्चों को सहज भी करने हैं, हमें आकलन भी करना है, ये सब हमें इसी के अंतर्गत शून्य सप्ताह में ही करने हैं। शून्य सप्ताह से मतलब है हमारा प्रथम सप्ताह से है, मार्च का जो सप्ताह होगा, 100 दिन का जो पहले कार्यक्रम चलेगा, उस 100 दिन में, या ये कह लीजिए 8 सप्ताह का होगा, 8 सप्ताह में जो होगा पहला सप्ताह वो हमारा शून्य माना जाएगा। और किस प्रकार से प्रक्रिया चलेगी हमारी इसमें ये समझ लीजिए, पहले बच्चों का आकलन किया जाएगा कक्षा एक को छोड़ करके, उसके बाद स्कोरिंग प्रपत्र में दर्ज करना होगा, हम आगे भी दिखा देंगे इसको। स्कोरिंग प्रपत्र कैसा होगा, बच्चों की उपलब्धि स्तर दर्ज करना पड़ेगा उसके बाद हमें, और उसके बाद समूह का निर्धारण करना होगा, समूह के अनुसार शिक्षण करना होगा,
तो सबसे पहले हम क्या हो गया, हमें आकलन करना हो, इसके बाद हमें प्रपत्र में इसका स्कोरिंग करना होगा। देखिए हम कैसे बताते हैं, देखिए ये बेस लाइन है, ये बेस लाइन में हमें कक्षा एक को छोड़ करके सभी का हमें बेस लाइन आकलन करना होगा, कक्षा दो से कक्षा पाँच तक करना होगा। और इसमें ये जो हमें कक्षा दो और तीन के लिए शोध पठन कार्ड हैं, इसमें हमें एक कार्ड बनाने होंगे आपको, और उसी के माध्यम से इसका आकलन किया जाएगा। उसके बाद पाठ कार्ड है, ये पाठ कार्ड कक्षा तीन चार ये स्तर तीन के लिए हैं, जो कक्षा चार और पाँच के लिए हैं उसको हमें इनसे ये पाठ कार्ड बनाएंगे। इस प्रकार से हमें उनको पढ़ाना, उनको पढ़ा सुनना है और इसी पर हमें आकलन करना है। ये हमें इनका स्तर बनाया जाएगा, ये हमारा जो हम बता रहे स्कोरिंग कार्ड, ये शब्द पठन स्कोरिंग प्रपत्र है हमारा, ये वाला स्कोरिंग है, इसमें हमें स्कोर करना पड़ेगा। इसमें 20 कॉलम है, 20 बिंदु हैं, 20 बिंदु का मतलब है 20 पॉइंट, 20 नंबर। अगर जो बच्चा बता पाएगा उसको हम नहीं बता पाएगा उसको 0 देंगे, अगर बच्चा बताता है एक एक बार में ही बता देता है तो उसको 1 नंबर देंगे। इस प्रकार से यहाँ 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 बच्चे का नाम होगा और यहाँ 0 या 1 नंबर दिया जाएगा, यहाँ पर उसका योग कर दिया जाएगा। यहाँ कितने 20 हैं, 20 नंबर हैं, मान लीजिए ये 20 शब्द हैं, ये यहाँ पर 20 शब्द दिए हुए हैं, ये 20 शब्द हैं और यहाँ पर हम इसका योग करेंगे। जो हमारा स्तर बनेगा मान लीजिए 10 हैं तो हमें इसको उसका स्तर 1 हो जाएगा, और 10 से ऊपर है तो उसको स्तर 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हमें इसका स्तर भी छांटना है, अलग करना है। उसके बाद अंत में इस शिक्षण प्रशिक्षण के अंत में हमें बीओ सर ने शपथ दिलाई, मैं आपका नाम, हमें अपना नाम लेना पड़ा था यहाँ पर, संकल्पित होते हुए शपथ लेती हूँ मैं अपने विद्यालय को प्रेरक बनाने के लिए समर्पित रहूँगी या रहूँगा। मैं अपने विद्यालय में शिक्षा पा रहे प्रत्येक बच्चे को निर्धारित अधिगम स्तर हासिल कराने का प्रयास करूँगा या करूंगी। मैं अपने विद्यालय, विकास खंड, जनपद और पूरे प्रदेश को प्रेरक बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दूंगा। और आगे है, आगे भी बताया हमने कि शपथ ग्रहण करने के बाद हमें एक फीडबैक फॉर्म दिया गया था ऑनलाइन, उसमें प्रश्नोत्तरी थी, उस प्रश्नोत्तरी को किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है वो मैं अगर इतने इसी वीडियो में या अगली वीडियो में देखता हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें।